पहुंचना शुरू हो गया है, बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के समर्थक पहुंचना शुरू हो गए हैं और वहां नारेबाजी भी कर रहे हैं। दबाव बनाने की कोशिश ईडी के अधिकारियों के ऊपर, ईडी की टीम के ऊपर भी की जा रही है। और अब ये अपडेट ताज़ा आपको हम बता दें कि पूछताछ अभी भी जारी है। अरविंद केजरीवाल से ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। ये बड़ी जानकारी, केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं उनके समर्थक कार्यकर्ता, ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रही है। अरविंद केजरीवाल से ईडी की टीम उनके घर के अंदर पूछताछ कर रही है और उनके घर के बाहर केजरीवाल के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। ईडी की टीम ने केजरीवाल, उनके परिवार के लोगों का फोन जब्त कर लिया है और केजरीवाल के समर्थक, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा भी कर रहे हैं केजरीवाल के आवास के बाहर। लेकिन एक बात साफ साफ है कि आप अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर सकेंगे, लेकिन उनके विचारों को आप कैसे कैद कर पाओगे? उनको पता है कि लोकसभा प्रचार न कर सके अरविंद केजरीवाल जी, इसलिए बार बार दो दो घंटे में ईडी से समन्स भेजकर इतनी जल्दी गिरफ्तार और करने की उनकी इतनी मंशा है कि ये साफ साफ दिखता है कि पूरा भाजपा का प्लान है और ईडी भाजपा के द्वारा चल रही है और वहाँ से तय होता है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद कर दें। लेकिन एक बात साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी को विचार ना झुकेंगे और हम नरेंद्र मोदी की इस गिरफ्तारी के चक्र से ना डरेंगे, हम लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है लेकिन उनके विचारों को नहीं। ये अब आम आदमी पार्टी के मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के समर्थक लगातार कह रहे हैं। सौरभ भारद्वाज और आतिशी केजरीवाल के आवास पर पहुंचे। ईडी की टीम के पहुंचने के बाद जैसे ही उनको खबर लगी, उसके बाद एक एक कर समर्थकों का जुटना भी शुरू हो गया है। हंगामा, नारेबाजी लगातार ये शुरू हो गई है और आरएएफ के जवान भी मौके पर तैनात हैं केजरीवाल के आवास के बाहर। दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, अधिकारियों की मौजूदगी वहाँ पर है। ईडी के टीम के जो अफसर हैं वो केजरीवाल से पूछताछ कर रहे हैं और फोन भी केजरीवाल और उनके परिवार का जब्त कर दिया गया है। लेकिन केजरीवाल के आवास के बाहर भारी विरोध ईडी की इस कार्रवाई का देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता लगातार हंगामा कर रहे हैं। केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त, दिल्ली से इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। एसीपी रैंक के कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। ईडी ने केजरीवाल का फोन जब्त कर लिया है, उनके परिवार के लोगों का फोन जब्त कर लिया गया है। आवास के अंदर ईडी की पूछताछ चल रही है केजरीवाल के साथ, तो आवास के बाहर केजरीवाल के समर्थकों का हंगामा भी देखने को मिल रहा है। भारी तादाद में समर्थक पहुंचकर नारेबाजी करना शुरू कर चुके हैं। ईडी की इस पूरी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और नारेबाजी केजरीवाल के समर्थक कर रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। सौरभ भारद्वाज, दिल्ली सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, समरथा आदित्य कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। आदित्य, अभी क्या ताजा अपडेट मिल रहा है? चलिए, आदित्य के साथ संपर्क नहीं हो पा रहे, एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। आदित्य चूंकि मौके पर ही मौजूद हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अभी इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ ताजा अपडेट है, क्या डेवलपमेंट आगे हो रहे हैं, मूवमेंट किस तरीके से आगे चल रहा है। चूंकि हलचल बहुत ज्यादा इस वक्त केजरीवाल के आवास के बाहर बढ़ी हुई है, समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और नारेबाजी, हंगामा समर्थकों ने करना शुरू कर दिया है। केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी और ईडी की कार्रवाई के विरोध में हंगामा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं। ये हिटरशाही नहीं चलेगी, ये भगवंत मान कह रहे हैं। आतिशी कह रही हैं कि देश के संविधान को बचाएंगे। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो पीएमएलए की धारा 50 के तहत ये पूछताछ अरविंद केजरीवाल से ईडी के अफसर कर रहे हैं और
रिएक्शन अब आना शुरू हो गए हैं इस पूरी कार्रवाई को लेकर। इस कार्रवाई का विरोध आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से किया जा रहा है, केजरीवाल के समर्थक कर रहे हैं और साथ ही दिल्ली सरकार के मंत्री लगातार अब रिएक्शन अपना दे रहे हैं इस कार्रवाई के विरोध में। हंगामा भी केजरीवाल की आवाज के बाहर, मुख्यमंत्री आवाज के बाहर देखने को मिल रहा है। केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर, ताजा अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें कुछ आप देखिए, ताजा तस्वीरें हैं केजरीवाल के आवास के बाहर की तस्वीरें। इस वक्त आप देखिए, जब ईडी की टीम मौके पर पहुंची तो अंदर चूंकि ईडी की टीम को जाना था तो उन्होंने बाकायदा बताया कि किस तरह से पहुंचे हैं, पूछताछ करनी है अरविंद केजरीवाल के साथ में, उनसे बातचीत करनी है और उसके बाद टीम अंदर दाखिल होती है। फिर वहां पर पूछताछ शुरू हो जाती है। केजरीवाल से फोन पूरे परिवार का जब्त करा लिया गया है और बाहर जैसे ही जानकारी लगी ईडी के अफसरों के केजरीवाल के आवास पर पहुंचने की, तुरंत समर्थकों का पहुंचना भी शुरू हुआ, मंत्री पहुंचना शुरू हो गए। सौरभ भारद्वाज पहुंचे, आतिशी पहुंची, उन्होंने मीडिया से बातचीत की, इस पूरी कार्रवाई का विरोध किया, इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है, साजिश करार दिया है, सोची समझी रणनीति बताया है, कहा कि चुनाव से डर गई है, बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सत्ता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है लेकिन उनके जो विचार हैं, उनकी जो विचारधारा है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। देखिए रिएक्शन, देश का एक एक आदमी देख रहा है, एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। अरविंद केजरीवाल जी को आप गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमें यहाँ शांतिपूर्वक हम प्रोटेस्ट कर रहे थे लेकिन ये सरासर गलत है कि आप शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे। दिल्ली के लाडले, देश के लाडले को गिरफ्तार कर रहे हैं और हम लोग उनकी आवाज उठा रहे हैं। हमें जबरदस्ती पुलिस हमें धकेल रही है बसों के अंदर और ये महिला विधायक के साथ सरासर ये अन्याय है। ये जब जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है। ये समर्थक हैं, विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो कि प्रदर्शन कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे और इन सभी को हिरासत में लेकर बस में पहुंचाया गया है। देखिए तस्वीरें जरा आप देखिए और इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन दरअसल वहां हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई और उसके बाद हिरासत में लिया गया है इन तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, जो विधायक पहुंच रहे हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के समर्थन में, ताकि किसी तरीके की स्थितियां कंट्रोल से बाहर ना हो। इन तमाम परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए ये देखिए नारेबाजी हो रही है, जरा सुनिए आप। तो देखिए ये महिला कार्यकर्ता नेता आतिशी को आप सुन, आराम से ऐसी खबर आ रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। दो साल में मंत्री आतिशी को आप सुन रहे थे, उन्होंने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया है ईडी की टीम की तरफ से। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ये सबसे बड़ी खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। साजिश है लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है,
अगर आप लगते हो, अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और इंजीनियरिंग हरियाणा के सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल, खबर यह आ रही है, आतिशी इस बात का दावा कर रही हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल पराग, आपने सही कहा, गिरफ्तार कर लिए गए हैं केजरीवाल। कई बार समन देने के बाद भी केजरीवाल बार बार कुछ न कुछ बहाना बनाकर एक तरीके से ईडी के सामने पेश होने से बचते रहे, और अब जब आज सुबह ही उनको एक झटका लगा और वो गिरफ्तारी की जो बात उनकी तरफ से, उनके वकील की तरफ से, सिमी की तरफ से रखी गई थी कि अगर वो पेश होते हैं तो गिरफ्तारी ना हो, लेकिन उसको खारिज कर दिया कोर्ट ने। और झटके के बाद अब दूसरा झटका आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को लगाया। आम आदमी पार्टी इस वक्त उनके समर्थक बहुत हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। आप अपने दर्शकों को सुनाई रहे थे कि आतिशी किस तरीके से वहां पर अपनी बात रख रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगभग दो घंटे की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। अरविंद केजरीवाल को इतने समन दिए गए कि आइए आपसे पूछताछ करनी है, आइए आपसे बातचीत करनी है, लेकिन वो बार बार समन को दरकिनार करते रहे, समय टालते रहे, समय मांगते रहे, और अंततः देखिए वो समय आ गया जिसके लिए उनके समर्थक बार बार कह रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर ही नहीं सकते, उनका तो कोई रोल ही नहीं है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। आप देखिए कि जो शुरुआत होती है मनीष सिसोदिया से लेकर जैन से लेकर फिर उसके बाद संजय सिंह से लेकर, अरविंद केजरीवाल बार बार कहते थे कि मैं तो कहता हूँ जी गिरफ्तार करो, कहता हूँ गिरफ्तार करो, गिरफ्तार नहीं करते हैं। और अब जब गिरफ्तारी का चुपचाप हुआ तो आप देख किस तरीके की तस्वीर है, और आज की दो घंटे के बाद उसके पास जरूर कुछ तरीके के तथ्य होंगे जिसके आधार पर गिरफ्तारी होती है, जो बिना के आधार से तथ्य के बिना ठोस सबूत के उनकी गिरफ्तारी करना इतना संभव नहीं था। और जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं पराग, वो पहले से ही उनको आशंका तो थी, इसलिए पहले से ही वो माहौल कोशिश करने लगे, हंगामा करने की कोशिश करने लगे। आप जो स्पीकर है वो कहते हैं कि अगर गिरफ्तार हो जाए सरकार तो केजरीवाल जेल से चलाएंगे। सारी बातें तो की कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी नेताओं को दरकार की, असल में उनको आभास था तो होने वाला है कि वो बैलेंस करने के लिए, बात पलट के लिए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, समर्थक कह रहे हैं देश का लाटा, देश का लाटा, लाटा तो है लेकिन लाटा काला का तो वहां पर उसे जवाब बनती है ना। अब उसने आप तस्वीर को समझ कि जो घोटाले का आरोप है वो आरोप अब सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन ईडी बार बार कह रही थी। और पिछले दिनों आप देखा बहुत समय के बाद ऐसा हुआ कि इसके जो चार्ट उसमें केजरीवाल का नाम मेंशन किया, उसके पहले कभी केजरीवाल का नाम मेंशन नहीं होता था, चर्चा जरूर होती मीडिया में भी होती थी, नाम मेंशन नहीं होता था। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि उनका जब नाम मेंशन किया गया उससे इस पर इस बात को और आधार मिल गया था, बड़ा ठोस हो गया था कि अब यहाँ पर कुछ ऐसा होगा जो केजरीवाल झटका दे सकता है, और आज वही हुआ अपराध। ये दरअसल इसी बात का कहें कि डर अरविंद केजरीवाल को था और इसलिए कोर्ट से वो श्योरिटी मांग रहे थे कि मुझे ये श्योरिटी दी जाए कि मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी, इसी शर्त पर पूछताछ के लिए जाऊंगा। अब देखिए पराग, ये तो वही बात हो गई कि केजरीवाल कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूं जी, और मैं जो करता हूं पढ़ा लिखा होने के नाते करता हूं। आप अगर इतने ही पढ़े लिखे थे तो आपको पता होना कि नियम कानून किसी के लिए अलग तो नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल, जब आपकी आपकी पार्टी के ही कई नेता सांसद मंत्री वो अगर उसी नियम के तहत गिरफ्तार हो रहे हैं तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि मैं गिरफ्तार नहीं होऊंगा। और आपके पास विकल्प था, आपके वकील सिंघवी साहब पहुंचे कोर्ट, उनका अधिकार था भाई, वो अधिकार के तहत वहां पर गए और कोर्ट ने उनके मामले की सुनवाई की। आज भी जब ईडी वहां पर पहुंची थी तो ऑनलाइन बकायदा सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर दी गई, लेकिन जो उनके अधिवक्ता हैं उनको पता है कि अभी उनके पास इतने फैक्ट्स नहीं है जिस आधार पर वो जिरह कर सकें, बहस कर सकें और गिरफ्तारी को लेकर कोई बात कर सके कि जमानत तुरंत मिल जाए, गिरफ्तारी हो भी तो जमानत मिल जाए। जिससे खबर ये आ रही है कि वो आज नहीं कल जाएंगे, यानी आज गिरफ्तारी के बाद ईडी के कस्टडी में ही रहेंगे केजरीवाल, और केजरीवाल जो कि ईडी के कस्टडी में आज रहेंगे तो उनको तमाम सवालों का रात भर जवाब देना पड़ेगा, उससे पूछताछ का सिलसिला चलता रहेगा। उनके अधिवक्ता बहुत संभव हो सकता है, अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे, हो सकता है कि वो पहुंच जाए थोड़ी देर के बाद। मैं चाहूंगा पराग यार तस्वीरें भी दिखाई और सुनाई अपने दर्शकों को क्या कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
ये बस में कैसे समर्थकों को पुलिस उठाकर डाल रही है, चूंकि हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, ईडी के अफसरों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है इस नारेबाजी के जरिया, इस हंगामे के जरिया। और तस्वीरें जरा आप देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि दरअसल ये दबाव बनाने की कोशिश एजेंसी के ऊपर केजरीवाल के समर्थक कर रहे हैं और केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में भारी हंगामा कर रहे हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, पुलिस ने बस में इन कार्यकर्ताओं को बैठाया है, चूंकि हंगामा वहां पर है, सिचुएशन भी कंट्रोल करनी है, किसी भी तरीके की कोई इस तरह सिचुएशन ना बने जिससे कि अराजकता फैले, ये तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसी अपना काम कर रही हैं, पुलिस के जवान अपना काम कर रहे हैं और किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो, कोई अराजकता ना फैले, कोई हंगामा ना हो, इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए ये एक्शन लिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, नारेबाजी विरोध में ईडी की कार्रवाई के भी हुई, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी करते हुए नजर आए, सरकार के ऊपर सवाल उठाया, एजेंसी की इस कार्रवाई के ऊपर सवाल उठाया और पंजाब के सीएम भगवंत मान दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, इस तरह की जानकारी अभी अभी सामने आ रही है। तो सीएम भगवंत मान दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है और सीएम जो पंजाब के हैं भगवंत मान, वो अब दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। इससे पहले आपने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को सुना, सौरभ भारद्वाज पहुंचे थे, उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन किया, बातचीत की और कहा कि सोच को, अरविंद केजरीवाल की सोच को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, अरविंद केजरीवाल को भले ही गिरफ्तार कर लें लेकिन अरविंद केजरीवाल के तमाम पैंतरे वो सब नाकाफी साबित हुए हैं, नाकाम साबित हुए हैं, क्योंकि पैंतरेबाजी लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही थी। इस पूछताछ से बचने के लिए 9 समन ईडी की तरफ से भेजे गए और आखिरकार अब 10वें समन के साथ जब पूछताछ के लिए ईडी की टीम पहुंची केजरीवाल के आवास पर, तब पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर लिया है अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने और सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई करने की मांग इस मामले पर की है। हालांकि आज सुबह ही हाई कोर्ट से झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है, हाई कोर्ट से यह अपील अरविंद केजरीवाल कर रहे थे कि दरअसल जब वो पूछताछ के लिए पहुंचे तो उनको पहले से ये एश्योरेंस चाहिए गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन क्या ऐसा संभव है? ये संभव नहीं था, इसलिए हाई कोर्ट ने रोक से गिरफ्तारी पर रोक से इनकार कर दिया और एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा। हाई कोर्ट के इनकार के साथ ईडी की टीम शाम होते होते तैयारी कर रही थी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने की और आखिरकार केजरीवाल के आवास पर ईडी की टीम पहुंचती है और वहां उनसे पूछताछ होती है। धीरे धीरे करके समर्थकों का जमावड़ा भी बढ़ना शुरू हो जाता है। सौरभ भारद्वाज आतिशी लगातार इस बात को कह रहे थे कि गिरफ्तारी की तैयारी है और आखिरकार अब देखिए ये बड़ी खबर सामने आ गई है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिया गया है। ईडी ने तकरीबन 2 घंटे तक केजरीवाल से पूछताछ की है और इस 2 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद, 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। सुनिए जरा आप आतिशी क्या कुछ कहते हैं। शाम भर से ये बिल्कुल साफ है, जिस भारी संख्या में पुलिस का डिप्लॉयमेंट हुआ, सैकड़ों पुलिस अफसर, हजारों पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे मौजूद थे, तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है शाम से ही कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले थे। क्यों? क्योंकि एक राजनीतिक साजिश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है और अब लोकसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं तो उससे पहले वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। अब आप लोग क्या करने जाएंगे, किस तरह से लीगल? देखिए, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को मूव कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर दी है और सुप्रीम कोर्ट को हम अर्जेंट हियरिंग के लिए आज रात ही सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे, इसके लिए हमने रिक्वेस्ट की। वो रिजाइन करेंगे? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। चलिए, आपका धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे कि आतिशी कह रहे हैं कि रिजाइन वो नहीं करेंगे, वो मुख्यमंत्री थे और रहेंगे। जी मनोज, तो देखिए मनोहर केसरी हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं, आतिशी से वो बातचीत भी कर रहे थे और आतिशी, सौरभ भारद्वाज या बाकी जो नेता हैं वो लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और इस कार्रवाई को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं।
मनोहर लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं, जो कि पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, आरएएफ के जवानों की तैनाती मौके पर है, पूरी तैयारी है किसी भी तरीके की कोई अराजक स्थिति ना बने, इससे निपटने की भी तैयारी पुलिस की तरफ से की गई है, एजेंसीज की तरफ से कर ली गई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात लगातार सौरभ और आतिशी की तरफ से कही जा रही थी, और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अब ये बड़ी और अहम जानकारी देखिए, एक और अपडेट इसमें सामने आ रहा है, सीएम बने रहेंगे अरविंद केजरीवाल, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही होंगे, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ये ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे, वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। यानी आम आदमी पार्टी या केजरीवाल ये चाहते हैं कि अगर केजरीवाल जेल के अंदर रहें तब भी वो मुख्यमंत्री बने रहें। साफ इनकार अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही होंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा अरविंद केजरीवाल नहीं देंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त सामने आ रहा है। तो देखिए धीरे धीरे लगातार डेवलपमेंट इस पूरे केस पर हो रहे हैं, अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि इसी बात का सवाल था, यही प्रश्न लगातार अब लोगों के जहन में था कि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़े, उनकी गिरफ्तारी होती है और एक लंबा इंतजार जो ईडी को उन्होंने कराया पूछताछ के लिए, उस पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जाता है, तो आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री पद का क्या होगा। तो अब आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही होंगे, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। तो ये आम आदमी पार्टी का दावा है, केजरीवाल को मेडिकल के लिए ले जाया गया है, ये भी ले जाया जाएगा, ये भी इस तरह की जानकारी अपडेट आपको हम बता दें, क्योंकि गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हो गई है, उनका मेडिकल भी होगा और उनसे पूछताछ जो हुई है 2 घंटे की, उसके बाद ईडी के अफसर और पूछताछ भी करेंगे। लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर है, ये अपने आप में बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे दिल्ली के, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। तो मुख्यमंत्री को लेकर लगातार सवाल उठ रहा था, क्या अपने पद से इस्तीफा देंगे केजरीवाल, ये सवाल था। मगर इस सवाल के जवाब में अब आम आदमी पार्टी का दावा है कि दरअसल मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही होंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा अरविंद केजरीवाल नहीं देंगे, ये दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त, बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। और तस्वीरें जरा आप देखिए, दिल्ली सरकार के मंत्री हों, आम आदमी पार्टी के नेता हों, कार्यकर्ता हों, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि दरअसल ये कार्रवाई विरोध की है। आपको दिखाना चाहूंगा कि ये आप देखिए, ये जो है सिविल लाइन की ओर जाती है और सीधे करनाल बाईपास जाती है। इस सड़क को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। अगर आप जो है आईएसबीटी की ओर से आएंगे तो आप नहीं आ सकते हैं इस एरिया में, जो केजरीवाल का घर है जस्ट इसके ठीक पीछे है, दोनों साइड से ब्लॉक कर दिया गया है। जो हजारों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, विधानसभा अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था है। रैपिड एक्शन फोर्स को लगा दिया गया है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं और लगातार कार्यकर्ता सड़क पर बैठ करके जो है सो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये यहाँ नजारा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो है सो सिग्नल भी वीक हो रहे हैं, तो हम लगातार कोशिश करेंगे उन तमाम कार्यकर्ताओं से बात करने की जो सड़कों पर बैठे हुए हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये नजारा है यहाँ पर, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर सड़क पर बैठ गए, हम सीधे इनसे बात करेंगे। आप बताए ऊपर बैठे हैं, खबर है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, सड़क पर इसलिए बैठे हैं कि उनको नहीं ले जाने देंगे, नहीं ले जा
लेकिन ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। देश की जनता को पता होना चाहिए, एक ही व्यक्ति था जो देश का भला कर रहा है, देश की जनता का भला कर रहा है, देश को फायदा दे रहा है, जनता को फायदा दे रहा है। बाकी सारे नेता बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा दे रहे हैं, लेकिन जो केजरीवाल है वो जनता का फायदा कर रहा है। पानी फ्री, बिजली फ्री, या पहली बार है जो देश में जनता को कुछ फ्री मिल रहा है। नहीं तो हमेशा उद्योगपतियों को फ्री मिलता है, उनके कर्जे माफ होते हैं। ये देश में बहुत कुछ हो रहा है। आज जो केजरीवाल की नीति है वही पीएम मोदी और बीजेपी जो है अपने राज्यों में उसको कर रही है। बार बार सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि 9 बार समन भेजा गया, फिर भी वो ईडी में नहीं जा रहे थे और घोटाले की आंच उनके तक पहुंची और आज खबर आ रही है उनको गिरफ्तार। केजरीवाल जी ने कोई घोटाला किया ही नहीं, उनको सिर्फ फंसाए जा रहे हैं, षड्यंत्र जो उनके लिए रचाए जा रहे हैं। अब ये सारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, कोई एकजुट नहीं करना चाहते किसी भी पार्टी को। इनका यही काम है मोदी जी का कि पार्टी को हटा दो, क्योंकि अभी वोट आने वाले हैं तो यही सब चाहते हैं। चुनाव की घड़ी है, इसलिए चुनावी एजेंडा है उनके गिरफ्तार करने का। और लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, पूरी दिल्ली को जाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी आप सुन रहे थे, तो देखिए मनोहर बातचीत कर रहे थे वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, सपोर्टर से, समर्थकों से, और केजरीवाल को ईडी की टीम लेकर निकली है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ईडी के दफ्तर अरविंद केजरीवाल को ले जाया जाएगा, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। चूंकि गिरफ्तारी हो गई है अरविंद केजरीवाल की और मेडिकल के लिए उनको ले जाया जाना है, केजरीवाल का मेडिकल भी होगा। ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद में केजरीवाल को ईडी की टीम लेकर निकली है, केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम निकली है, इस तरह की जानकारी अब सामने आ रही है। मुख्यमंत्री बने रहेंगे केजरीवाल, ये आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। अब ये ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करके ईडी की टीम उन्हें ईडी दफ्तर के लिए लेकर निकल चुकी है और आरएमएल अस्पताल में मेडिकल होगा। आरएमएल अस्पताल में मेडिकल अरविंद केजरीवाल का होगा। पहले ईडी के दफ्तर अरविंद केजरीवाल को ले जाया जाएगा और ईडी की टीम उनको लेकर निकल चुकी है, ये जानकारी अब सामने आ रही है। तो दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इस पूरे केस को लेकर, इस पूरे प्रकरण मामले को लेकर ताजा अपडेट, केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है। ईडी की टीम उनको लेकर निकल चुकी है मेडिकल के लिए, आरएमएल अस्पताल की टीम ईडी दफ्तर आएगी। आरएमएल अस्पताल की टीम ईडी दफ्तर आकर अरविंद केजरीवाल का मेडिकल चेकअप करेगी, ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, ये बड़ी खबर है, बड़ा घटनाक्रम है देश की राजधानी दिल्ली के अंदर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है और उन्हें गिरफ्तार करने के बाद ईडी की टीम ईडी दफ्तर लेकर रवाना हो चुकी है अरविंद केजरीवाल को। और खबर ये भी आ रही है, चूंकि मेडिकल परीक्षण हो रहा है अरविंद केजरीवाल का, तो आरएमएल अस्पताल की एक टीम ईडी के दफ्तर पहुंचेगी और वहीं पर उनका मेडिकल चेकअप भी होगा। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह एक बड़ा दबाव क्रिएट करने की कोशिश ईडी की टीम के ऊपर की जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों और समर्थकों के द्वारा। क्योंकि एक बड़ी संख्या विधायकों की आम आदमी पार्टी के, तो वो अब केजरीवाल की आवाज के बाहर पहुंचे, तमाम मंत्री पहुंचे, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए रिएक्शन भी आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लग गया है। आज याचिका पर सुनवाई नहीं होगी, कल पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होगी। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लग गया है। दरअसल इस पूरे केस को, इस पूरे मामले को आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आज हाईकोर्ट से झटका अरविंद केजरीवाल को लगता है, गिरफ्तारी पर रोक से इनकार हाईकोर्ट कर देता है और उसके बाद ईडी की टीम शाम होते होते अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती है, वहां पर उनसे पूछताछ करती है और तकरीबन 2 घंटे की पूछताछ के बाद उनको ईडी दफ्तर ले जाने की तैयारी में ईडी की टीम है। और अब चूंकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट से भी अब बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लग गया है। अरविंद केजरीवाल के वकील ने यह अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में कि इस मामले की सुनवाई तत्काल की जाए, लेकिन तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। साफ तौर पर एक बड़ा झटका हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को अब लग चुका है। कल पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी झटका अरविंद केजरीवाल को लग चुका है।
चूंकि तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। गिरफ्तारी पर रोक से पहले हाई कोर्ट ने इनकार किया और अब सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से भी इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। कल पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश होना है और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख चूंकि अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने किया और तत्काल सुनवाई की मांग की और इसी वजह से उम्मीद अरविंद केजरीवाल को थी कि कोर्ट से कोई राहत मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग गया है अरविंद केजरीवाल को, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका पर सुनवाई नहीं होगी, ये कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होनी है कल पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होगी और आज ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और ईडी दफ्तर ले जाने की तैयारी में है। तो निकल चुकी है ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को अपने साथ लेकर गिरफ्तारी के बाद, और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख किया था उनकी लीगल टीम ने, सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल को झटका लग गया है। यानी कि आज रात अब ईडी के दफ्तर में उनको ले जाया जा रहा है ईडी की टीम के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट से भी उनको झटका लग गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई नहीं होनी है। और अब खबर ये भी है कि आरएमएल अस्पताल की एक टीम ईडी के दफ्तर पहुंचेगी और वहां केजरीवाल का मेडिकल चेकअप होगा। और आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोर्ट से आज ही सुनवाई करने की मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई करने की मांग आम आदमी पार्टी ने की है। आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, तत्काल सुनवाई करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी ने की है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से आज ही इस मामले पर सुनवाई करने की मांग, याचिका पर सुनवाई करने की मांग कर ली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त हम। आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट से मांग आम आदमी पार्टी ने की है कि तत्काल सुनवाई की जाए। तत्काल सुनवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है, क्योंकि गिरफ्तार कर लिया गया है अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से ईडी की टीम ने और उन्हें ईडी के दफ्तर लेकर निकल चुकी है ईडी की टीम और वहीं पर उनका मेडिकल चेकअप भी होगा। आरएमएल अस्पताल की एक टीम ईडी दफ्तर पहुंचेगी, वहां पर उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। और इस बीच अब ये खबर सामने आ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है, कोर्ट का रुख कर रही है। तो हाईकोर्ट से झटका लगा, गिरफ्तारी पर रोक से इनकार हाईकोर्ट ने कर दिया था और उसका नतीजा देखिए ये हुआ कि जब ईडी ने पूछताछ की तो उसके बाद गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हो गई है और अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है आम आदमी पार्टी ने, ताकि किसी तरह की कोई राहत केजरीवाल को मिल जाए। तो सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई करने की मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी है, ये ताज़ा अपडेट है, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त, ये ताज़ा अपडेट सामने आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर। तो कोर्ट से आज ही सुनवाई करने की मांग आम आदमी पार्टी कर रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने अपनी याचिका में ये कहा है, ये अपील की में जब उसको पेश किया जाए तो ये कि जिससे कि वो कोर्ट में ये बताया जा सके कि किसी तरह की कोई भी सख्ती नहीं की गई है, तो उस लीगल प्रोसेस को एक प्रोसेस है जो उसको ईडी उसको रूल को फॉलो करेगी, उसके बाद जो सरकारी है ऑफिस जो इसका ज्यूडिक्शन लगता है आरएमएल, वहाँ पर इनका मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कराने के बाद उसके बाद इसी ईडी दफ्तर में, जो देखिए इस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा यहाँ पर जो ईडी के बाहर जमावड़ा है और के कविता जो पहले से यहाँ पर गिरफ्तार है, और ऐसे में यहाँ पर का माहौल देखिए, दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है और हर एक यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है कि किसी का भी मूवमेंट यहाँ पर आगे ना हो सके, और पूरी तरीके से जो हलचल है यहाँ पर इस वक्त ईडी ऑफिस के बाहर वो तेज़ हो गई है। और क्योंकि मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री का है, एक कद्दावर नेता है और आम आदमी पार्टी के फाउंडर हैं, संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो ऐसे में जो एक बड़े बवाल को देखते हुए भी इस चीज को माना जा रहा है और कुछ ही देर में जो लीगल प्रोसेस होगा, क्योंकि जो पूरा मामला है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर है, सबसे पहले लीगल पॉलिसी का जो मामला है सीबीआई में दर्ज होता है, सीबीआई इस मामले को सीबीआई करप्शन का मामला दर्ज करती है, दर्ज करने के बाद इस पूरे लीगल पॉलिसी की जांच करती है, उसके बाद यह मामला दिल्ली
के लोगों को अछूता रखने का प्रयास है, लेकिन दिल्ली की लोगों की किसी भी सुविधा को हम रुकने नहीं देंगे। देखिए हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था, राखी जी हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था, केजरीवाल इस्तीफा देंगे। हमारे संवाददाता दिल्ली से आपको लाइव रिपोर्ट कर रहे थे, जावेद को आप सुन रहे थे, उसके बाद रिएक्शन आपने सुना आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता का, समर्थक का। दरअसल ये बड़ी खबर है और लगातार एक लंबा। पंजाब के सीएम भगवंत मान की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्वीट जरा आप देखिए, भगवंत मान बीजेपी की राजनीतिक टीम ईडी, भाजपा की राजनीतिक टीम ईडी को बता रहे हैं भगवंत मान। उन्होंने लिखा, केजरीवाल की सोच को कैद नहीं कर सकती है क्योंकि आप ही बीजेपी को रोक सकती है, यानी आम आदमी पार्टी बीजेपी को रोक सकती है, सोच को कभी भी दबाया नहीं जा सकता है। ये भगवंत मान ने अपने ट्वीट में लिखा है, ये जरा पढ़िए। भाजपा की राजनीतिक टीम ईडी को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ईडी केजरीवाल की सोच को कैद नहीं कर सकती है क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती है, सोच को कभी दबाया नहीं जा सकता है। चूंकि इससे पहले भी सौरभ भारद्वाज ने भी कहा, उसके बाद आतिशी भी इस बात को कहती हुई नजर आई, अब भगवंत मान भी इस बात को कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लिया। अब रिएक्शन भी आना लाजमी है। तो संबित पात्रा को आप देख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हालांकि क्या उन्होंने कहा या क्या बोलेंगे हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप भगवंत मान का ये ट्वीट जरा पढ़िए। भाजपा की राजनीतिक टीम केजरीवाल की सोच को कैद नहीं कर सकती है, ये ईडी के लिए कह रहे हैं भगवंत मान। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को रोक सकती है, केजरीवाल को तो गिरफ्तार किया, उनकी सोच को कैद कैसे करेंगे, ये वो कह रहे हैं। और अपडेट देखिए, हम आपको बता रहे हैं अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद रिएक्शन के साथ। अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर का दृश्य है, आज पूरा भारतवर्ष उनके घर के बाहर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है उसे देख रहा है। अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है, तो मैं कहूंगा इट इज सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, जश्न भ्रष्टाचार मनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। यह कोई पहला केस नहीं है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। ये शराब के घोटाले का विषय है और कौन सी कोर्ट तक शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है, कौन सी ऐसी एजेंसी है जिस एजेंसी ने इस घोटाले की जांच नहीं की है, और कौन सा ऐसा दिल्ली वासी है, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो इस विषय के तथ्य से, इस विषय के फैक्ट्स से अनभिज्ञ है। हर व्यक्ति जानता है कि प्रश्न कोई आज से पूछा नहीं जा रहा है, विगत 3 वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी से, आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, अगर आपकी एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी जैसा कि आप बता रहे थे, तो आपने एक्साइज पॉलिसी को क्यों रद्द किया, क्यों उसे रद्द किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। आपने कार्टेलाइजेशन शराब के पूरे तंत्र में कैसे आप लेके आ सकते थे, आपकी खुद की एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपसे कहा था कि एक्साइज की पॉलिसी उचित नहीं है, शराब का कारोबार सरकार के हाथ में ही रहना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, आपने उसे रद्दी के टोकरी में क्यों फेंका, खुद के सरकार के बड़े विभाग द्वारा दिया हुआ जो एडवाइस था उसे क्यों नहीं माना, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को आगे बढ़ा करके अपने यारों को, अपने दोस्तों को ठेका देने का काम क्यों किया। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, पहले 5% कमीशन दिया जाता था, आपने बढ़ा करके 12% कमीशन किया और बैकडोर कमीशन जो 7% की अधिक कमीशन थी वह आपने ब्लैक मनी के रूप में रिसीव किया। क्या दिल्ली की जनता समझती नहीं है, क्या हिंदुस्तान की जनता इन बारीकियों को जानती नहीं है। विजय नायर कौन था, आज रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स हैं ईडी के पास, सीबीआई के पास, उन
तमाम जांच एजेंसियों के पास जिन लोगों ने कई करोड़ रुपए किकबैक के रूप में रिसीव किया और रिसीव करके इसको कहां कहां ठिकाने लगाया, किस बैग में इन्हें लेके गया गया, ये सारे विषय आज पब्लिक डोमेन में है। इन सारे विषयों की जांच हुई है। 14 महीने से मनीष सिसोदिया इसी विषय में जेल के सलाखों के पीछे हैं। कोई ऐसा कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने जाके झूठ का पुलिंदा फैलाने की कोशिश नहीं की हो, मगर उसके बावजूद किसी कोर्ट से मनीष सिसोदिया को रिलीफ नहीं मिला। संजय सिंह बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, जेल के अंदर हैं, आज भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला है। तथ्यों के आधार पर काम करती है कोर्ट, तथ्यों के आधार पर काम करते हैं ये जो जांच एजेंसी है। ये गेट के बाहर घर के सामने बड़े बड़े वचन से ड्रामा से कुछ नहीं होता है। आतिशी जी कह रही हैं अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आइडिया है। आई शुड से ही इज अ बैड आइडिया। अरविंद केजरीवाल एक बैड आइडिया है। द आइडिया ऑफ करप्शन, द आइडिया ऑफ मिंटिंग मनी थ्रू अ आई वुड से थ्रू एक्साइज पॉलिसी, आई मीन दिस इज अनहर्ड ऑफ। A CM who talks about education, मनीष सिसोदिया इनके education मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। आपने विश्व में कहीं सुना है शिक्षा मंत्री शराब के घोटाले से पैसा बना रहा है? जो CM कहता है कि हम तो चांद में भी स्कूल खोल देंगे, वो शराब के पैसे से पैसे बना करके शराब के ठेकेदारों से, शराब के बड़े बड़े माफियों से, डॉन से पैसे की उगाही करता है और करोड़ों करोड़ रुपयों का चंदा लेता है। क्या यह विषय आज दिल्ली से छुपा नहीं? तो स्वाभाविक रूप से अगर इस प्रकार की कार्यवाही घोटाले किए जाएंगे तो कार्यवाही होना ये हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान के कानून के दायरे में हो रहा है। क्या कारण था कि दिल्ली हाईकोर्ट तक जाना पड़ा और दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें रिलीफ नहीं दिया? उससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट में भी समन्स को लेकर अरविंद केजरीवाल जी गए थे कि ये समन्स गैर कानूनी है सेक्शन 174 के अंतर्गत। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा ये गैर कानूनी नहीं है, आपको समन में अपीयर करना चाहिए। और कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने हिदायत दी थी जांच एजेंसी को कि समन भेजना बंद मत करिए, वो आप करते रहिए। हाँ, 15,000 के मुचलके पे, क्योंकि सेक्शन 174 बेलेबल ऑफेंस होता है, तो 15,000 के मुचलके पे, बेल पे अरविंद केजरीवाल बाहर थे, कोर्ट ने उन्हें वो बेल दिया था। मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप देश के कानून के साथ खिलवाड़ करें। ईडी आपको बुलाए और आप हर बार बहाना बनाएं, कभी विपश्यना का बहाना तो पार्टनर हैं, और खासकर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जो आज भ्रष्टाचार का पर्याय बने हुए हैं, जिन्होंने कभी भी कानून का पालन नहीं किया। मैं समझता हूं उन्होंने खुद अपने हाथों पर हथकड़ी लगाई है अपने कृत्य कुकर्मों से और कृत्यों से। यार हूं क्यों? अगर वो इलीगल था तो रियल में भी इलीगल है और वर्चुअल में भी इलीगल है। वर्चुअली आप अपियर हो सकते हैं, रियल में आप अपियर नहीं होना चाहते। जिसके मन में चोर होता है ना, जो शराब से पैसा बनाता है, जो घोटालेबाज होता है और जो भ्रष्टाचारी होता है, उसका डरना लाजमी है। और डर को छुपाने के लिए ये जो आडंबर किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, यह आडंबर आज पूरी हिंदुस्तान देख रही है। जवाब 2024 के चुनावों में हिंदुस्तान की जनता और दिल्ली की जनता देगी। दिल्ली की जनता शराब नहीं चाहती है, दिल्ली की जनता सुशासन चाहती है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा था कि मैं तभी समन में पेश हो सकता हूं जब ये मुझे एश्योरेंस दिया जाए कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और संविधान सबके लिए एक ही है। तो कोई VIP अगर ऐसे कमेंट करता है या शर्त रखता है तो आप इसे कैसे समझ रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने सन 2013 में जब वो प्रथम बार राजनीति में आ रहे थे, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि इस देश में कोई जेल क्यों नहीं जाता, इस देश में किसी के ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं होती, ये सारे पॉलिटिशियन खुले क्यों घूम रहे हैं। आप उनके ट्वीट को देखिए, खुद इन्होंने सवाल उठाया था। आज अगर कार्यवाही हो रही है, आज अगर तथ्यों के आधार पर
उनसे पूछताछ किया जा रहा है तो उनको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे गिरफ्तार ही कर लिया जाएगा? क्या आपसे कोई एजेंसी पूछताछ करे तो आपके मन में डराएगा कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आप जानती हैं कि आपने किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की है। जिसके मन में चोर होता है और जो जानता है कि मैंने गड़बड़ी की है, जब उसको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उसके मन के पीछे कहीं ना कहीं एक कोने में ये विषय जरूर रहता है कि घोटाला तो मैंने किया है, मैं जाऊंगा तो पकड़ा ही जाऊंगा और मुझे छोड़ा भी नहीं जाएगा। आप सुन रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बातचीत की है मीडिया से और ये बताया कि किस तरह एक बड़ा गड़बड़ झाला हुआ जिससे लगातार बचने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जाती रही और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब ईडी के शिकंजे में अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं। गौरव भाटिया ने कहा कि उन्होंने खुद अपने हाथों में हथकड़ी लगवाई है। ये भी गौरव भाटिया ने बीजेपी की तरफ से रिएक्शन देते हुए कहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। तकरीबन 2 घंटे की पूछताछ ईडी ने उनके आवास पर उनसे की और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली। उधर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख आम आदमी पार्टी ने किया। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को मेडिकल के लिए भी ले जाया जाएगा और खबर यह भी है कि ईडी के दफ्तर में ही आरएमएल अस्पताल की टीम पहुंचकर उनका मेडिकल करेगी। दिल्ली के सिविल लाइन एरिया में धारा 144 लागू कर दी गई है और इसी वजह से तमाम जो समर्थक विधायक पहुंच रहे थे, हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी लगातार कर रहे थे केजरीवाल की आवाज के बाहर, उनके समर्थक, उनको भी हिरासत में लिया गया और बसेस में डालकर उनको भी ले जाया गया है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। संबित पात्रा ने सवाल पूछा कि शराब घोटाले में करोड़ों का घोटाला हुआ है तो क्यों आखिर भागना चाहते हैं, भाग क्यों रहे हैं पूछताछ से, एजेंसी से, ईडी से, अरविंद केजरीवाल क्यों अब तक भाग रहे थे, ये भी उन्होंने सवाल पूछा है। तो शराब घोटाला मामले में ये पूछताछ के बाद गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हो गई है, बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर, ताजा अपडेट, सिविल लाइन्स में धारा 144 लागू कर दी गई है। सिविल लाइन एरिया में धारा 144 केजरीवाल के घर के बाहर हलचल तेज हो गई है, बढ़ गई है हलचल केजरीवाल की आवाज के बाद। केजरीवाल को लेकर कभी भी निकल सकती है ईडी की टीम, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद अरविंद केजरीवाल का मेडिकल होगा, ईडी दफ्तर पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। सिविल लाइन्स में धारा 144 लागू कर दी गई है, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हलचल तेज हो गई है। के जो अधिकारी हैं वो लगातार कोऑर्डिनेशन में कि किस तरीके से एक रोड मैप तैयार किया जाए जिससे कि अरविंद केजरीवाल को उनके सिविल लाइन जो कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहां से न्यू दिल्ली जहां पर ईडी का ये जो मेन हेडक्वार्टर है वहां तक लाया जाए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। हम आपको बता दें कि सभी लोग जिस तरीके से अब चुनावी माहौल में, सब चुनावी रंग में ढल गए हैं और लगातार सारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो रहे हैं, तो ऐसे में अब जो किसी तरह का कोई पॉलिटिकल चीज़ें ना सामने आए इसको लेकर ईडी पूरी तरीके से एहतियात बरत रही है और दिल्ली पुलिस के जो उस वक्त वहाँ पर मौजूदा डीसीपी हैं, मौजूदा वहाँ पर एसएचओ हैं, उनसे लगातार बात चल रही, जो अभी तक जानकारी मिल रही कि उनसे एक रोड मैप बनाने की कोशिश की जा रही कि किस रोड मैप से लेकर अरविंद केजरीवाल को सीधा ले गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो है पूरी जो राजनीति है वो गर्मा गई है। जो कार्यकर्ता हैं या जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं वो तमाम लोग किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर में रुकावट ना बने, किसी तरीके का कोई दिल्ली में माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर जो है हालात ना बिगड़े, इस सब को लेकर जिक्र किया जा रहा है और उसी इस जिक्र के साथ ही एक सेफली तरीके से अरविंद केजरीवाल को यहाँ पे लाने की तैयारी चल रही है। वहां पर अभी जो है जो सिविल लाइन में, मैं आपको बता दूं कि वहां पर थोड़ा सा अभी लेट होगा क्योंकि एक पूरा रोड मैप तैयार होगा, रोड मैप तैयार होने के बाद उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल को पूरी सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे लाया जाएगा। सिक्योरिटी इसलिए क्योंकि किसी तरीके से कोई कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना ले, किसी तरीके से
जो अधिकारी हैं ईडी के उन पे किसी तरीके का कोई बवाल ना हो। साथ ही जो दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है इसके तमाम ज्वाइंट सीपी डीसीपी लगातार कोऑर्डिनेशन में है कि किस तरीके से जो भीड़ जैसे लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो भीड़ है जो जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वो लोग वहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में भी दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी है। अगर हम बात करें नॉर्थ कैंपस की तरफ तो वहाँ पर भी बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा अब जो जो पॉइंट्स हैं नई दिल्ली की तरफ आने के लिए उन तमाम पॉइंट्स को पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया। मतलब कोई भी डिस्ट्रिक्ट, साउथ की बात करें, वेस्ट की बात करें, साउथ वेस्ट की बात करें, नॉर्थ की बात करें, साउथ ईस्ट की बात करें जो भी डिस्ट्रिक्ट नई दिल्ली से कनेक्ट होता है वहां पे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के जो फोर्सेज है उनको वहां पे डिप्यूट किया जा रहा है और तमाम एसएचओस को अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है कि किसी तरीके का इलाके में कोई भी किसी तरीके का राजनीति बवाल ना हो सके इस मामले को लेकर, क्योंकि जो गिरफ्तारी है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का। देखिए लगातार जो ईडी की जो हलचल है वो यहाँ पर बढ़ गई है, लगातार जो अधिकारियों की गाड़ी है वो यहाँ पर आ रही है, तकरीबन इससे पहले भी लगातार मूवमेंट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा में लेकर यहां तक आना अब एक चुनौती इसलिए बन गया है कि पूरी तरीके से इसमें जो मेरे सोर्सेस बता रहे हैं कि थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि उनको पूरी तरीके से सिक्योरिटी में यहां पे लाना है। तो अब जब तक एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि क्या नॉर्थ से जो वो न्याय मिला है ग्राउंड पर मौजूद है और ये बता रहे थे कि किस तरीके से एक पूरा सुरक्षा घेरा बनाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को लाने के लिए, किसी भी वक्त उनको लेकर ईडी की टीम निकल सकती है, ईडी के दफ्तर पहुंच सकती है, इस तरह की अब जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल अभी यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। राम राम।